देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के तार अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से जुड़े मिले हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे कुछ एमबीबीएस के मेडिकल स्टूडेंट के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन 10 में से 8 मेडिकल स्टूडेंट को जमानत भी मिल चुकी है और 2 अब भी पुलिस की कस्टडी में है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 स्टूडेंट्स को दिल्ली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए साथ लेकर गई है। तो मेडिकल कॉलेज से जुड़े नीट यूजी के तार और 10 में से 8 को जमानत मिल चुकी है। नीट पीजी में जो डमी कैंडिडेट बैठने का मामला सामने आया था, उस संबंध में दिल्ली पुलिस ने कुछ नाम हमें बताए थे। 8 बच्चों के नाम थे जिनको दिल्ली पुलिस ने तलब किया है। उनके द्वारा ये कहना था कि जो बच्चे पकड़े गए हैं उन लोगों ने इन बच्चों के नाम बताए। हमने उनके इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस वालों को समर्पित दी। बाद में हमने शायद उनको गिरफ्तार किया। अभी वो बच्चे बेल पर हैं। 2 बच्चों के लिए मुंबई पुलिस ने हमें तलब किया था कि ये 2 बच्चे का हैं। 2 बच्चों को हमने पहले यहाँ बातचीत की उनसे और उसके बाद में वो यहाँ से उनको। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मिथुन फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। मिथुन, जब से नीट में धांधली का मामला सामने आया है तब से हर रोज़ कई सारी कड़ियाँ खुल जाती हैं, नए नए खुलासे होते हैं। उसी कड़ी में अब यहाँ मेडिकल कॉलेज के तार जुड़े होना भी बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, पूरा मामला ये कहीं ना कहीं जो ये नीट में जो धांधली का मामला जो सामने आया है, इसका तार निश्चित ही झालावाड़ से जुड़े हैं। और मुंबई दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो जाँच थी उसमें से 10 जो मेडिकल छात्र है इनको हिरासत में लिया गया था, जिनमें से सूचना ये है कि 8 मेडिकल छात्रों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। 2 मेडिकल छात्र अभी भी पुलिस गिरफ्त में है और पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अपनी पेनी निगाहें गड़ाए हुए और पूरे मामले के जल्द से जल्द खुलासा होने का आसार भी दिख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार 2 अब भी पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की ओर से जांच पड़ताल लगातार जारी है। हर एंगल से जांच हो रही है कि कहीं और तो तार नहीं जुड़े हैं।